बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुड़गांव में रैपिड मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। रैपिड ट्रेन के सफर से दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले लोगों को जाम से निजात मिलेगी। आम लोगों के लिए रैपिड ट्रेन की ये सेवा अगले साल 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। गुड़गांव में नई उड़ान का ट्रायल। दिल्ली टू गुड़गांव हुआ आसान। रैपिड ट्रेन से सफर बना आसान। साइबर सिटी का सुहाना सफर। गुड़गांव से आई है एक अच्छी खबर, अब साइबर सिटी का सफर और सुहाना हो गया। अब दिल्ली टू गुड़गांव में नहीं लगेगा जाम, क्योंकि यहां शुरू हो गया है रैपिड मेट्रो का ट्रायल रन, जिसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। अब जल्दी ही दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले लोगों को लंबे जाम से निजात मिल जाएगी। देश की पहली निजी क्षेत्र की ये मेट्रो आम लोगों के लिए 2 अप्रैल 2013 से शुरू हो जाएगी। पहले चरण में मेट्रो का रूट 5 किलोमीटर का होगा, जो दिल्ली मेट्रो को गुड़गांव में सिकंदरपुर, डीएलएफ फेज 2, मॉल ऑफ इंडिया, गेटवे टावर, मूलसराय एवेन्यू और डीएलएफ फेज 3 समेत NH-8 से जोड़ेगी। बाद में इसे द्वारका और गुड़गांव के सेक्टर 55 और 56 तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। गुड़गांव में जो ये ट्रायल रन शुरू हुआ है, देश का पहले PPP मॉडल पे जो ये ILF ने ये मेट्रो बनाई है, रैपिड मेट्रो, इस बात के लिए मैं पूरे गुड़गांव वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। फिलहाल 3 कोच वाली एक ट्रेन गुड़गांव पहुंची है। इस रूट पर 5 ट्रेन चलाने की योजना है, जिसके लिए हर महीने चीन के शंघाई से एक ट्रेन मंगाई जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि एक ट्रेन की कीमत 30 करोड़ रुपए है। इस ट्रेन से एक बार में 1000 लोग सफर कर सकेंगे। सुरक्षित सफर के लिए इस ट्रेन के अंदर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस ट्रेन में सफर करने के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और हर 3 मिनट पर इसका सफर कर सकेंगे। रैपिड मेट्रो गुड़गांव आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी है। ये मेट्रो दिल्ली के सिकंदरपुर इलाके से होकर के यहाँ पर जितना भी जो साइबर सिटी है गुड़गांव के अंदर, वहाँ पर अलग अलग इलाकों को जो है जोड़ती हुई, ओवरहेड सप्लाई न होने की वजह से ट्रैक के पास से सप्लाई जुड़ी है, उससे जो है काफ़ी कुछ जो है राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कैमरामैन सुनील के साथ सौरभ शुक्ल, इंडिया TV, गुड़गांव।